नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप ये फोन और पूछे अपना सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर भी कर सकते हैं कॉल और अपना सवाल पूछे। हमारे साथ खास मेहमान आज हैं, परिचय करा देते हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ हैं अभी पृथ्वी फिन मार्ट के मनोज जैन और टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का खास स्वागत करते हैं आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर एक हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हमारे सामने खाद्य तेलों को लेकर सामने आ रही है, उस पर एक जरा नजर डालें कि असल में खबर जो ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है उसमें क्या कुछ बड़ी खबर सामने है। दरअसल एडिबल ऑयल प्रोसेसर्स को लेकर जो है वो सरकार की खाद्य तेल कीमतों में कटौती पर प्रोसेसर्स की चर्चा है, ये एक बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, जिस पर जैसे जैसे डिटेल सामने आ रही है उसके तहत खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 12 लीटर प्रति लीटर की कटौती संभव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो खाद्य तेलों से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है। आइए फिर से आपको बताएं, खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती संभव है, ये एक बड़ी खबर है। मतलब एक बड़ी कटौती की तैयारी खाद्य तेल की कीमतों में, ये जो इस वक्त बड़ी खबर है। जो प्रोसेसर्स हैं वो लगभग 8 से 12 रुपए प्रति लीटर कटौती जो है, जो मेजर एडिबल ऑयल्स हैं उसमें फिलहाल फैसला किया जा सकता है। बीवी मेहता हमारे साथ है ईडी सीईए से। मेहता सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो एक बड़ी खबर है खाद्य तेल की कीमतों में कटौती की जो संभावना जताई जा रही है, सर इस पर सबसे पहले समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है तो यहाँ लोकल के जो दाम चल रहा है एडिबल, उसमें भी एमआरपी में भी कटौती हो। और आज दिल्ली में मीटिंग भी हुई है और इंडस्ट्री और एग्रीड जितना हो सके 10 रुपए तक की कटौती करने की बात हुई है और इंडस्ट्री भी सुझाव में आगे बढ़ रही है। वी विल एडवाइज और मेंबर्स के भी आप जितना गुंजाइश है इतना कम करो एमआरपी, 10 रुपए तक की एमआरपी कम करने के लिए हम सुझाव अपने मेंबर को देने वाले हैं। सर, आप सुझाव की बात कर रहे हैं 8 से 12 रुपए प्रति लीटर, कितनी गुंजाइश आपको लग रही है मेहता सर? अलग अलग ऑयल है, सनफ्लावर है, सोया है, रेपसिल है, तो अलग अलग, ऐसा जरूर नहीं कि सब में एक यार्डस्टिक एक ही हो, पर 10 रुपए के करीब का नीचे एमआरपी लाने का जो गवर्नमेंट ने सुझाव दिया है तो विल ट्राई कि भाई वो 10 रुपया वाले नीचे लाए एमआरपी, और उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल से हो जाए। जब नई नया लॉट निकलता है महीने में एक दफा एमआरपी चेंज होती है नॉर्मली, तो नई एमआरपी कम हो गई। ऐसा ही लास्ट 4 महीने में काफी एमआरपी कम की है इंडस्ट्री ने, ऐसे जैसे दाम गिरते गए ऐसे एमआरपी कम होती गई है। कम से कम आज 3 महीने में लगभग 15 से 20 हजार रुपये की एमआरपी तो कम हो गई है लास्ट 3 महीने में। हाँ जी, ओके। तो फिलहाल खबर यही है कि सरकार की जो है वो खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती की संभावना है। बीवी मेहता से हमने इस पर इनिशियल रिएक्शन लिया है। सर, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी इस खबर पर जब और डिटेल्स आती है इस पर और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा कमोडिटी लाइव में अपने आज के दो खास मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले हम कच्चे तेल की बात करते हैं, क्रूड, क्योंकि बात करना जरूरी भी है। अच्छे तेजी हम देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में, ब्रेंट जो है 1.5% की तेजी के साथ $75 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। WTI जो क्रूड है वो $71, तो MCX पर दाम 5,850 के ऊपर हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं।
इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 4 जून को होने वाली है ओपेक प्लस की बैठक और बाजार की नजरें इस पर हैं। बैठक में उत्पादन पर अहम फैसला होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक तनाव भी हमें सामने देखने को मिल रहा है। तनाव है वो भी रूस और सऊदी अरब के बीच में, जो दो बड़े तेल उत्पादक देश हैं, और दो मेजर प्लेयर्स के बीच में तनाव है, क्योंकि बड़ा कारण है कि उत्पादन कटौती पर जो दोनों देश हैं सऊदी और रूस, दोनों देशों के बीच में अलग अलग राय सामने आ रही है। पहले जो सऊदी था उसने शॉर्ट सेलर्स को सावधान किया था, अब इस पर रूस का बयान आया, उसने कहा कि उत्पादन कटौती की संभावना नहीं। रूस दावा यह कर रहा है कि योजना अनुसार उत्पादन कटौती हो रही है। ये तनाव की बड़ी वजह सामने आ रही है रूस और सऊदी के बीच में। अब जो कुछ जानकार हैं उसको रूस के दावों पर भरोसा नहीं है, और उस वजह से सऊदी अरब का जो एशिया में मार्केट शेयर घटा है, रूसी तेल की जो जबरदस्त मांग है वो हम खास तौर पर चीन और भारत में सबसे ज्यादा देखते हैं। तो अब ओपेक प्लस की जो बैठक है उससे पहले एक तेजी हम कच्चे तेल में देख पा रहे हैं। हम आज के एक्सपर्ट से समझना चाहते हैं कि फिलहाल इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मनोज जी, ये जो हम कच्चे तेल की चाल देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ओपेक प्लस की बैठक के पहले की तेजी। नमस्कार स्वाति, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में हमने लगातार 3 सेशन में गिरावट देखी थी और कीमतें लगभग 10% के आसपास करेक्ट हुई थी, जब यहाँ पे यूएस डेट जो सीलिंग डील है उसको लेकर के संशय थे और डॉलर इंडेक्स को हमने लगभग 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए देखा था। लेकिन जो यूएस डेट सीलिंग का जो डील है वो लगभग होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आते हुए देखे हैं, तो कच्चे तेल में एक शॉर्ट कवरिंग जो है निचले स्तरों से फिर लौटती हुई नजर आई है। अब यहाँ मार्केट की नजर जो है 4 जून को होने वाली ओपेक प्लस मीटिंग के आउटकम्स के ऊपर है, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे उत्पादन में फर्दर कटौती जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बार बार कहा जा रहा है और रशिया उसके ऊपर एग्री नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी जो ओपेक प्लस ने कटौती की थी उसमें 100% कंप्लायंसेस अभी उत्पादन कटौती के हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से उत्पादन यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे इस चीज को लेकर के देखना होगा कि फर्दर उत्पादन कटौती के ऊपर ओपेक प्लस में यहाँ पे जो है समझौता हो पाता है नहीं हो पाता है। लेकिन हमने एक बात यहाँ पे क्लियर है कि जो गिरावट है वो अब यहाँ पे रुकती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो यूएस डेट सीलिंग को लेकर के जो कंसर्न्स थे वो ईज आउट होते हुए नजर आए हैं। दूसरा, यूएस के जो सब पीक ड्राइविंग सीजन के डिमांड से वो भी स्टार्ट होते हुए नजर आए हैं, तो अब डाउनसाइड यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड लगता है नेक्स्ट वीक के लिए। और हमारा मानना है कि WTI में $68 जो है नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं अगर ब्रेंट की मैं बात करूं तो $71-72 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। ऊपर में WTI 75 और ब्रेंट फिर एक बार $78-79 तक जा सकता है। तो भारतीय बाजारों में यहाँ पे 5,545 एक अच्छा सपोर्ट जो है वो कच्चे तेल में नेक्स्ट वीक रहेगा और कीमतें फिर एक बार 6,060 से 6,120 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। तो यहाँ पे कच्चे तेल में डिप्स में बाय की रणनीति बना के चल सकते हैं। जब तक 5,545 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड है डिप्स में बाय की सलाह रहेगी और ऊपर में 6,060 से 6,100 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। जी अखिलेश जी, इस मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है आपके नजर में? जैसा कि अभी हमने रिसेंट यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिली हमको क्रूड ऑयल के अंदर, बिकॉज जो डेटाज हैं यूएस की तरफ से स्पेशली डेट सीलिंग को लेकर कि वो इवेंट जो है वो एक बार अवॉइड हुआ है और जितने भी अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव अभी नजर आ रहे हैं और यहाँ पे हमको डॉलर इंडेक्स में भी काफी ज्यादा एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डेफिनेटली बात है कि एक बॉटम बनता दिख रहा है क्रूड के अंदर और मुझे लगता है कि जब तक भाव 5,700 के ऊपर बने हुए हैं तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 100 रुपए अगर भाव नीचे आते हैं अप्रोक्सीमेट 5,750 तक तो वहाँ पे बाय करिए, 5,750 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप और 6,060 के आसपास मुझे लगते हैं कि इसके भाव हमको मिलने चाहिए। तो इट्स बाय ऑन डिप्स कमोडिटी फॉर मी इस और अगले वीक के लिए। ओके, तो चर्चा हुई यहाँ पर क्रूड की, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों से भी बात करते हैं। रोहित हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल पूछेंगे आप? नमस्ते मैम, मेरा चने पे सवाल है, चने का भविष्य क्या रहेगा? चने का भाव,
चने का भविष्य क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, कैसा क्या रहेगा? चने का भविष्य, चने का फ्यूचर, ओके मनोज जी क्या देख रहे हैं, चने के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको? फंडामेंटल्स यहाँ पे अगर ओवरऑल हम पल्सेस की बात करें तो बाकी जो पल्सेस है वहां पे एक अच्छी मजबूती जो है देखने को मिल रही है, लेकिन चने में यहाँ पे जो है जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स है और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, उसके चलते हम देख रहे हैं कि चने की कीमतों में ज्यादा बढ़त जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। पर चूंकि कीमतें जो सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे बनी हुई थी और बाकी जो पल्सेस है वहां पे अच्छी बढ़त देखने को मिली है, तो आने वाले समय में यहाँ पे लगभग 200 से 300 रुपए का सुधार जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है अगले 1 से 2 महीने में। तो गिरावट यहाँ पे चने में अब जो है रुकती हुई नजर आएगी और ग्रेजुअली एक यहाँ पे सुधार जो है 200 से 300 रुपए का देखने को मिल सकता है। ये रही चने पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। नासिक से अमित जी का सवाल लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने सिल्वर माइक्रो का लॉट लिया है जून कॉन्ट्रैक्ट का, 72,000 से सेल किया है, तो ये होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? सिल्वर माइक्रो में अखिलेश जी इन लेवल्स पर क्या आप राय देंगे इन्हें? डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा नरमी है तो प्रीशियस मेटल्स में ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है कि अभी सिग्निफिकेंट पुल बैक हमको देखने को मिल सकती है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है तो 73,200 के आसपास अगर मेगा सिल्वर के जो रेफरेंस है आप इस पोजीशन को शॉर्ट रख सकते हैं, और बेहतर या 200 यानी 600-700 पॉइंट अगर नीचे मिलता है तो वहां पर एक बार पोजीशन को एग्जिट कर लें। अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए सिल्वर में, इट्स अ रेंज बाउंड, बट 73,200 के स्टॉप लॉसेस सौदे को आप कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हरियाणा से रजत जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? सर मेरे को नेचुरल गैस के जानना था जी। क्या जानना चाहते हैं नेचुरल गैस पर? 190 पे 3 लोट बाएंगे। नीचे ट्रेड हो रही है, यहाँ पे इनकी पोजिशन 190 की है, तो मेरी इनको ये सुझाव रहेगा की 175 का एक स्टॉप लॉस जो है इस वर्तमान पोजिशन मेंटेन करना चाहिए। 190 यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है नेचुरल गैस के लिए बार बार देखने को मिल रहा है, तो अगर इनके भाव मिलते हैं तो वहां पे एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी, 175 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा। ये नेचुरल गैस पर राय रही आपके लिए मनोज जी की। अहमदाबाद से गोपाल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल कॉपर में है कि अभी क्या करना चाहिए, मतलब बाय करके चलना चाहिए या सेल करके चलना चाहिए? ओके अखिलेश जी, कॉपर में आपको क्या स्ट्रेटजी अभी सही नजर आ रही है आने वाले टाइम में, बाय स्ट्रेटजी या फिर सेल स्ट्रेटजी? अभी ओवरऑल मेटल पैक में लग रहा है कि एक पुल बैक यहाँ पे दिखने को मिलने चाहिए, ओवरऑल सिनेरियो इज बेयरिश, बट फॉर शॉर्ट टर्म यहाँ पे मेटल्स में एक सिग्निफिकेंट अप मूव आना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉपर के भाव यहाँ पे 721-20 के आसपास मिलते हैं, तो वहाँ पे बाय आप रणनीति बना सकते हैं। 717 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए, 732 तक के लक्ष्य के लिए, तो इट्स अ बाय ऑन डिप्स, 717 के ऊपर बाय कर सकते हैं। बाय की सलाह कॉपर पर आपके लिए हमारे एक्सपर्ट अखिलेश जी की तरफ से। जिगर ठक्कर गुजरात से, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बाय या सेल? ओके, इंट्राडे में गोल्ड में क्या स्ट्रेटजी रखी जाए? मनोज जी, फिलहाल तो सोने की कीमत 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई है, डॉलर इंडेक्स, वीक डॉलर इंडेक्स से सपोर्ट भी अच्छा है, तो क्या स्ट्रेटजी गोल्ड में? यहाँ पे पोजीशन के लिए इनको 15 मिनट रुकना चाहिए, 6 बजे यूएस नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आएंगे, उस समय थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी और उस समय कीमतें अगर 60,000 से 60,100 के दायरे में आती है तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी, 59,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 60,500 60,600 का लेकर के चल सकते हैं। जी, वेस्ट बंगाल से ज्योति हमारे साथ है, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मुझे मैंने नेचुरल गैस 190 पे मैंने कॉल लिया था, ठीक है, फ्यूचर में
तो अभी इसका तो अभी 178 है, तो मैं इसको क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वेट करूँ, इसलिए फोन किया था। ओके अखिलेश जी, क्या करें अभी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में नो डाउट 175 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर भाव 175 के लेवल को ब्रिज नहीं करते तो यू कैन स्टैंड इट विथ योर कॉल, वहां पे रख सकते हैं, और 186-190 के आसपास आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है 175 होल्ड पे स्टॉप लॉस रखिए। जी, हरियाणा से पवन जी से भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मुझे मनोज जी से ये पूछना है, मेरा धनिया 66 रुपए पे एवरेज है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कैसे लग रहे हैं सर ये लेवल्स धनिया के, क्या करें अभी? 66 धनिया में एक अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी थी, लेकिन ओवरऑल स्पाइसेस पैक में फिर एक बार जो दबाव बनता हुआ नजर आया है, तो उसके चलते धनिया में भी गिरावट देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि थोड़ा प्रेशर जो है वो कीमतों में रह सकता है अगले 1 से 2 महीने। डाउनसाइड यहाँ पे 5,850 तक के जो स्तर है वो एक बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। अगर इनकी ऊपरी स्तरों की पोजीशन है तो 5,850 के आसपास के भाव मिले तो वहां पे वो रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 महीने के बाद एक ग्रेजुअल जो रिकवरी धनिया की कीमतों में देखने को मिल सकती है, और दिसंबर तक हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 7,000 से 7,200 तक के स्तर दिखा सकती है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कीमतों में प्रेशर रहेगा, 2 से 3 महीने के बाद यहाँ पे ग्रेजुअल रिकवरी जो है वो कीमतों में आती हुई नजर आई। जी, रामपुर से फरहान जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम गुड इवनिंग। मैडम, मेरा मनोज जैन से सवाल है, मेंथॉल में कुछ तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी, या बॉटम कहाँ बना इसका? एक साल तो इसको नहीं हो गया पड़ा हुआ मैडम। मेंथा ऑयल सर क्या लग रहा है मनोज जी आपको, कहां तक जाएगा? बॉटम यहां पे 920 के आसपास, इसमें 920 से ज्यादा की डाउनसाइड ये कमोडिटी में नहीं लगती है। डिमांड को लेकर के यहां पे थोड़े कंसर्न है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही है। हमने 2 महीने पहले कीमतों में एक उछाल आते हुए देखा था और 1,080 तक कीमतें गई थी, लेकिन फिर एक बार वहां पे सप्लाई बढ़ते हुए नजर आए तो हमने फिर दबाव आते हुए देखा है। अभी यहाँ पे 920 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, और ऊपर में कीमतें 980-985 ये दायरे में बनी रह सकती है। तो अभी बड़ी बढ़त की गुंजाइश यहाँ पे कमोडिटी में नजर नहीं आ रही है। अगर डिमांड में यहाँ पे अगर सुधार आता है तो फिर एक जो है स्पाइक कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 920 से 985 का दायरा यहाँ पे बना रह सकता है। जी, शैलेंद्र सिरसा से एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे ग्वार सीड के बारे में जानना है, कहाँ पे ले और कहाँ पर बेचे, और 2 महीने का आउटलुक चाहिए मुझे मनोज जी। ओके, बाइंग प्राइस और सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए अखिलेश जी ग्वार सीड में? स्पेसिफिकली आप गवार गम के प्राइस के हिसाब से इसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी गवार सीड का जो फायदा है काफी ज्यादा रेंज है, बट जो ओवरऑल सिनेरियो है ऑन चार्ट वो स्टिल बेयरिश। 11,250 के नीचे अगर भाव बन रहते हैं तो यहाँ पे अभी टाइम करेक्शन है, वो अभी मुझे होता लग रहा है कि और एक्सटेंड करेगा, बट यहाँ पे अभी ज्यादा प्रेशर का अभी गुंजाइश भी नहीं है। एक दो वीक लग रहा है कि भाव में अभी मंदी रहेगी, 10,200 तक के भाव हमको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा वेट करिए। भाव 10,200 के आसपास आते हैं तो वहां पे आप वापस से खरीद कर सकते हैं, बट अभी ओवरऑल जो सिनेरियो है 11,250 के नीचे मुझे लग रहा है डाउन साइड रहेगा, और जून 3rd वीक के आसपास से मोस्ट ऑफ एग्री कमोडिटीज की लग रही है कि एक बार बॉटमिंग हो सकती है, तो तब तक ये जो भाव है साइडवेज टू डाउन साइड ही रहती है ओवरऑल एग्री पैक के अंदर। जी जी, उत्तराखंड से गिरीश एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो नेचुरल गैस का जून का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये आज 165 तक आ सकता है? जून कॉन्ट्रैक्ट 165, क्या लगता है आपको मनोज जी? 175 है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे अगला जो लेवल से वो 168 का नजर आता है, तो 175 के ऊपर नजर रखना चाहिए। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 168 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एक नजर सिल्वर पे भी डाल लेते हैं। यहां पर भी तेजी के साथ कारोबार दिख रहा है, जैसा कि सोने में हमें देखने को मिला, MCX पर चांदी 72,700 के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो सिल्वर में कैसे अगले लेवल्स देख रहे हैं आप अखिलेश जी?
इंटरडे अगर बात करें तो यहाँ पर अभी ट्रेडिंग के हिसाब से सेलिंग की पोजीशन बना सकती है, पेरोल्स के डेटा भी है 6 o'clock। तो अगर भाव $24 या MCX में 73,150 के लेवल को ब्रिज नहीं करते तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाए और नीचे में 72,200 के आसपास मुझे लगता है। तो कॉमेक्स के भाव पे नजर रखें आप, $24 का जो लेवल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किनके सेलॉन राइज कर सकते हैं। जी आइए पंजाब से महेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने कोकुड जुलाई का वायदा 2600 बाई किया है, तो मुझे कब तक वेट करना चाहिए, क्या भाव हो सकते हैं, मनोज जी से पूछना जी। ओके जी मनोज जी, कॉटन केक में क्या भाव नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ पे जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार 2720 से 2750 तक के स्तर नेक्स्ट वीक दिखा सकता है, 2750 के स्तर मिले तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। जी तो ये रही राय आपके सवाल पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। मेटल्स काउंटर में यहां पर भी कीमतों में दमदार रिकवरी आती हुई हमने देखी है। MCX पर कॉपर 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, जो सभी मेटल्स हैं करीब 1 से 1.5% तक की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है मेटल स्पेस में। अखिलेश जी, मेटल स्पेस में आपका कोई पसंदीदा काउंटर यहां पर? कॉपर को बाय कर सकते हैं और यहां पे हम एल्यूमिनियम भी बाय ऑन डिप पे रख सकते हैं। यहां पे बाय कर सकते हैं एल्यूमिनियम को 207 रुपए के स्टॉप लॉस से और 211 रुपए के ऊपर इसमें और पोजिशन को ऐड कर सकते हैं 215 रुपए के लिए। वहीं जिंक को भी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट 209 के आसपास, 207 रुपए के ऐसे थे। यहाँ पे भी लग रहा है एक बार लक्ष्य जो प्राइस है 216 रुपए के आसपास सकते हैं। तो अभी इस मेटल्स पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। ओवरऑल सिनेरियो रिमेन बेयरिश बट यहाँ पे एक बार शॉर्ट टर्म रिकवरी आते लग रही बॉटम भाव की। ओके महाराष्ट्र से जेसी जी इस वक्त हमारे साथ है, नमस्कार क्या सवाल है आपका? मेरा गोल्ड है ना सिल्पे मैडम, मेरे 3 लॉट गोल्ड सिल्पे 60,200 पे, होल्ड करे या छोड़ दे? ओके सर, इन लेवल्स पर मनोज जी क्या राय देंगे? नहीं 60,200 गोल्ड में अभी थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, अगर यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन है तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि 60,400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, कीमतें कहीं भी 60,000 के आसपास आए तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन कवर कर ले, मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और 60,000 के स्तर पर मेरी बाइंग की सलाह रहेगी 60,600 तक के लक्ष्य के लिए। तो शॉर्ट की पोजीशन में अगर यहाँ पे अभी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा के समय करेक्शन मिलती है तो एक बार एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। जी समय इतना ही है दर्शकों के सवाल लेने के लिए, मनोज जी और अखिलेश जी दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।